हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड एंड माय डियर यूट्यूब सब्सक्राइबर, वेलकम टुडेज इकोनॉमिक्स क्लास। मेरे प्री प्यारे लर्नर जो यूट्यूब सब्सक्राइबर ने हमसे रिक्वेस्ट किया, सर मुझे पब्लिक इकोनॉमिक्स और उसके कंपोनेंट और बजट और उसके टाइप्स पे हमें लेक्चर दीजिए। तो चलिए, हम अपने उसी प्यारे यूट्यूब सब्सक्राइबर के रिक्वेस्ट पे हम आपके लिए लाए हैं पब्लिक इकोनॉमिक्स क्या है, किसे कहते हैं और इसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं और इसके साथ साथ बजट क्या होता है और ये कितने प्रकार की होती हैं, जो कि पब्लिक इकोनॉमिक्स से ही संबंधित है। ओके, देखिए पब्लिक इकोनॉमिक्स क्या होता है। पब्लिक इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स का वह ब्रांच होता है जिसमें हम पब्लिक से रिलेटेड रिवेन्यू और एक्सपेंडिचर का कैलकुलेशन करते हैं। इसके तीन कंपोनेंट होते हैं, रिसिप्ट, एक्सपेंडिचर, पब्लिक रिसिप्ट, पब्लिक एक्सपेंडिचर एंड डेफिसिट या सरप्लस। ओके, इसको हम वन बाय वन भी चर्चा करेंगे। पहले हम शॉर्ट में सब बातें एक्सप्लेन कर देंगे, फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बजट क्या होता है। सो बजट पब्लिक रिवेन्यू और एक्सपेंडिचर के बीच में जो मैनेजमेंट, जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता है उसे बजट कहते हैं। बजट तीन प्रकार के होते हैं, सरप्लस बजट, डेफिसिट एंड बैलेंस बजट। ओके, तो वन बाय वन हम लोग चर्चा करेंगे व्हाट इज द पब्लिक इकोनॉमिक्स, इसके कंपोनेंट क्या क्या हैं। और बजट क्या है और इसके कितने प्रकार, ठीक है। तो फर्स्ट टॉपिक इज व्हाट इज द पब्लिक पब्लिक इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स का वह ब्रांच है जिसमें हम स्टडी करते हैं कि पब्लिक, गवर्नमेंट द्वारा पब्लिक के लिए कितना एक्सपेंडिचर और कितना रिवेन्यू जनरेट किया जाए, तो दैट इज कॉल्ड पब्लिक इकोनॉमिक्स। इसके मेनली तीन कंपोनेंट होते हैं, पब्लिक रिवेन्यू, पब्लिक रिसिप्ट एंड सरप्लस और डेफिसिट। तो फर्स्ट पॉइंट हम लोग चर्चा करते हैं स्टूडेंट्स, व्हाट इज पब्लिक रिसिप्ट। गवर्नमेंट को जिन सोर्स से टैक्स मिलते हैं उन्हें टैक्स की इनकम होती है, चाहे टैक्स के रूप में या नॉन टैक्स के रूप में, उसे पब्लिक रिसिप्ट बोलते हैं। पब्लिक रिसिप्ट दो प्रकार के होते हैं, टैक्स रिवेन्यू, नॉन टैक्स रिवेन्यू। टैक्स रिवेन्यू वह रिवेन्यू होता है वो पब्लिक के द्वारा गवर्नमेंट को दिया जाता है जो टैक्स के रूप में मिलते हैं, जैसे डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स एक्सेट्रा, ये टैक्स रिवेन्यू होता है। एक होता है नॉन टैक्स रिवेन्यू। नॉन टैक्स रिवेन्यू पब्लिक रिसिप्ट का वह पार्ट होता है जो पब्लिक के द्वारा गवर्नमेंट को दिया जाता है, उसे नॉन टैक्स पब्लिक रिसिप्ट कहते हैं, जैसे फीस, फाइन एक्सेट्रा। अब इसी में इसे और ये पब्लिक रिसिप्ट में दो प्रकार होते हैं, रिवेन्यू रिसिप्ट एंड कैपिटल रिसिप्ट। तो ये हम लोगों ने जो चर्चा किया टैक्स रिवेन्यू, नॉन टैक्स रिवेन्यू, ये पब्लिक रिसिप्ट में आता है। अब हम आते हैं कैपिटल रिसिप्ट। कैपिटल रिसिप्ट पब्लिक रिसिप्ट का वह पार्ट होता है जो पब्लिक के द्वारा गवर्नमेंट को दिया जाता है जो इन्वेस्टमेंट के प्रोसेस से जनरेट होता है, जो पब्लिक के मनी को इन्वेस्टमेंट के प्रोसेस में लगा देते हैं तो उससे जो इंटरेस्ट जनरेट होता है दैट इज कॉल्ड कैपिटल रिसिप्ट। जस्ट लाइक लोन बाय पब्लिक टू अदर पब्लिक, लोन बाय बैंक्स टू अदर पब्लिक एंड अदर बैंक्स, रेंट, कैपिटल रिसिप्ट एक्सेट्रा, दीज आर द, ये सब कैपिटल रिसिप्ट में आते हैं। अब हम तो ये हम लोग तो ये मैंने चर्चा किया पब्लिक रिसिप्ट में। पब्लिक रिसिप्ट में दो होते हैं, रिवेन्यू रिसिप्ट एंड कैपिटल रिसिप्ट। रिवेन्यू रिसिप्ट में टैक्स रिवेन्यू, नॉन टैक्स रिवेन्यू होते हैं और कैपिटल रिसिप्ट में कैपिटल सोर्सेस, अर्निंग फ्रॉम इन्वेस्टमेंट प्रोसेस, शेयर, डिवेंचर्स, लोन, बार्गेनिंग, डेब्ट एक्सेट्रा बाय दिस सोर्सेस। ओके, अब सेकेंड कंपोनेंट आते हैं पब्लिक इकोनॉमिक्स का। पब्लिक इकोनॉमिक्स के क्या आते हैं, पब्लिक एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट पब्लिक रिवेन्यू कलेक्ट करके फिर इसी रिवेन्यू को पब्लिक के बेनिफिशियल के लिए बहुत ही अलग अलग सेक्टर में इसको खर्च करता है, जैसे डिफेंस सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर, हेल्थ सेक्टर, ट्रेनिंग सेक्टर, रिसर्च सेक्टर एक्सेट्रा। इन सारे एरिया सेक्टर में इस पब्लिक रिवेन्यू को खर्च किया जाता है ताकि हमारे नेशन का, हमारी इकोनॉमी का ग्रोथ डेवलपमेंट हो, न केवल हमारे, अगर हम इंडियन इकोनॉमी की बात करें तो हमारे इकोनॉमी में, बल्कि यही प्रोसेस किसी भी देश की किसी भी इकोनॉमी के द्वारा एडॉप्ट किया जाता है। ओके, तो हमने चर्चा किया पब्लिक एक्सपेंडिचर।
पब्लिक एक्सपेंडिचर किन किन मदों पे, किन किन क्षेत्रों में, किन किन एरिया में इस रेवेन्यू को एक्सपेंड किया जाए। अब थर्ड कंपोनेंट की ओर बढ़ते हैं, दैट इज कॉल्ड डेफिसिट और सरप्लस। अगर पब्लिक रेवेन्यू इक्वल टू पब्लिक एक्सपेंडिचर दैट इज कॉल्ड बैलेंस बजट, अगर पब्लिक रेवेन्यू इज ग्रेटर देन पब्लिक एक्सपेंडिचर दैट इज कॉल्ड सरप्लस बजट, इफ पब्लिक रेवेन्यू इज लेस देन पब्लिक डेफिसिट दैट इज कॉल्ड डेफिसिट बजट। यानी कि पब्लिक रेवेन्यू अगर पब्लिक एक्सपेंडिचर के इक्वल हो जाए तो हम कहते हैं हमारे गवर्नमेंट का जो बजट है वो बैलेंस बजट है। बट यही पब्लिक रेवेन्यू अगर पब्लिक एक्सपेंडिचर से ज़्यादा हो जाए तो हम कहते हैं कि हमारे गवर्नमेंट का जो बजट है वो सरप्लस में, फायदे में। बट यही पब्लिक रेवेन्यू अगर पब्लिक एक्सपेंडिचर कम हो जाए, यानी आमदनी कम हो जाए, खर्चे ज़्यादा, तो हम कहते हैं कि गवर्नमेंट का जो बजट है वो घाटे का है। लेकिन इत्तेफाक है कि इंडियन इकोनॉमी डेफिसिट इकोनॉमी है, क्योंकि इंडिया डेवलप कंट्री नहीं है, डेफिसिट अंडर डेवलपिंग कंट्री, अंडर डेवलप कंट्री है। सो यही रीजन है कि आज़ादी से लेकर आज तक इंडियन इकोनॉमी हमेशा डेफिसिट में रही है। इस पे विदेशी बैंक वर्ल्ड बैंक का कर अरबों रुपए का कर एवरी ईयर रहता है। हालांकि इसमें मोदी बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं तो वो कर्ज पहले से कम हुआ है, बट चूंकि इंडिया डेवलप कंट्री नहीं इसलिए ये डेफिसिट इकोनॉमी, यहाँ पे पब्लिक रेवेन्यू कम रहते हैं लेकिन पब्लिक एक्सपेंडिचर ज़्यादा रहते हैं। तो फिर भी कोई बात नहीं, ये इकोनॉमी है, इसमें चलता है। एक लोन को चुकाने के लिए दूसरा लोग, एक दो लोन को चुकाने दूसरा लोग इंडियन गवर्नमेंट वर्ल्ड बैंक से लेते रहते हैं। सो ओके माय डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर यूट्यूब लर्नर, हमने चर्चा किया व्हाट इज़ पब्लिक इकोनॉमी और इसके कौन से तीन कॉम्पोनेंट होते हैं, पब्लिक रिसिट, पब्लिक एक्सपेंडिचर एंड डेफिसिट आर सरप्लस। और पब्लिक रिसिट में भी हमने चर्चा किया टैक्स एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू और कैपिटल रिसिट में, और इसी तरह हम लोगों ने चर्चा की। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं व्हाट इज़ द बजट। सो व्हाट इज़ द बजट एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ बजट। तो जैसा कि हम पहले बता चुके पब्लिक इकोनॉमिक्स का ये भी कंपोनेंट है कि बजट जो पब्लिक रेवेन्यू पब्लिक एक्सपेंडिचर के बीच में जो रिलेशनशिप हम लोग जनरेट करते हैं या जो मैनेजमेंट हम फाइनेंशियल करते हैं दैट इज़ कॉल्ड बजट, कि हमारी गवर्नमेंट हमारे पब्लिक के लिए किस तरह से रेवेन्यू कलेक्ट करेगी और उनके लिए कैसे पैसे एक्सपेंडिचर डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर एरिया में कैसे खर्च करेगी ताकि हमारी इकोनॉमी का, हमारे कंट्री का ग्रोथ डेवलपमेंट हो। स्टार्ट पहले हम फैमिली से करते हैं, इंडिविजुअल से करेंगे, फिर सोशल लेवल पे, नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे, इस तरह से कंट्री लेवल पे कैसे हमारा देश का डेवलपमेंट हो और पूरे विश्व में हमारा इंडिया कैसे डेवलप करें। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, अब तो व्हाट इज़ अ बजट। तो बजट इज़ ए बैलेंस आर रिलेशन बिटवीन पब्लिक एक्सपेंडिचर पब्लिक रेवेन्यू। ओके, तो बजट हैज़ थ्री टाइप्स, जैसा कि हम पब्लिक इकोनॉमिक्स में भी चर्चा कर चुके हैं। तो बैलेंस बजट, सरप्लस बजट, डेफिसिट बजट। बैलेंस बजट क्या होता है कि अगर हमारा पब्लिक रेवेन्यू पब्लिक एक्सपेंडिचर के इक्वल हो जाए दैट इज कॉल्ड द बैलेंस बजट। एंड सेकेंड पॉइंट इज सरप्लस बजट, अगर हमारा पब्लिक रेवेन्यू पब्लिक एक्सपेंडिचर से ग्रेटर हो जाए ज़्यादा दैट इज कॉल्ड सरप्लस बजट। और यही पब्लिक रिवेन्यू अगर पब्लिक एक्सपेंडिचर से कम हो जाए तो इसे कहते हैं डेफिसिट बजट। बट इत्तेफाक है या भारत का दुर्भाग्य या जो भी आप कह सकते हैं कि आज़ादी से लेकर आज तक इंडियन इकोनॉमी हमेशा डेफिसिट रही है, सरप्लस कभी कभी बैलेंस हो भी जाता है बट ये इत्तेफाक से, और सरप्लस तो बहुत ही भगवान भरोसे रहता। तो हम कह सकते हैं 99.9% इंडियन इकोनॉमी आज तक डेफिसिट में रही है, सरप्लस और बैलेंस अभी तक नहीं रहेगी। ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब हमारी इंडियन इकोनॉमी डेवलप कंट्री हो जाता। खैर मोदी गवर्नमेंट भी बहुत ही अच्छा प्रयास कर रहे, नहीं अभी तो आने वाले 50-100 सालों में भले हो जाए, खैर वो बात। सो ओके माय डियर स्टूडेंट एंड माय डियर यूट्यूब सब्सक्राइबर एंड लर्नर, हमने चर्चा किया व्हाट इज द पब्लिक इकोनॉमिक्स एंड व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ पब्लिक इकोनॉमिक्स एंड व्हाट इज द बजट एंड हाउ मेनी टाइम्स। अगर इसमें आपको कहीं से भी कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं उसका जवाब आपको दूंगा। और हाँ, तो अगर आपको मेरा ये चैनल वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर योर फ्रेंड्स वाइफ डिफरेंट मीडियम ऑफ सोशल मीडिया, फेसबुक, व्हाट्सअप ग्रुप्स। और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक पसंद नहीं किया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, क्योंकि सब्सक्राइब लाइक्स करने में आपका कुछ नहीं जाता है लेकिन इससे मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ता है। सो तो कल फिर मिलेंगे इसी समय विथ नेक्स्ट टॉपिक इकोनॉमिक्स का, फिर नए टॉपिक के साथ विथ नए डाउट्स एंड
इसी तरह किसी हमारे किसी नए सब्सक्राइबर के नए रिक्वेस्ट के साथ. सी यू, गुड नाइट, टिल देन, बाय बाय, महादेव.